हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं उपवास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं। आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग हमें कमेंट लिखते हैं और हमसे पूछते हैं कि ब्रदर, हमें उपवास के बारे में बताइए कि एक मसीह व्यक्ति को किस प्रकार से उपवास रखना चाहिए। कई बार मैं जब लाइव आता हूं तो लाइव के माध्यम में भी आप में से बहुत सारे भाई बहन लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि ब्रदर, हम उपवास तो रखते हैं लेकिन हमें उपवास रखने का तरीका नहीं पता, तो कैसे एक मसीह व्यक्ति उपवास रखे, प्लीज़ आप हमें वीडियो बनाकर बताइए। तो आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो कि उपवास रखते हैं, और मैं विश्वास करता हूं कि हर एक मसीह विश्वासी उपवास ज़रूर रखता है, रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं तो आपका जीवन उपवास वाला जीवन होना चाहिए। तो आज बड़े डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वचनों के द्वारा समझाने वाला हूं कि कैसे एक मसीह व्यक्ति उपवास रख सकता है और क्या उसको उपवास के समय करना चाहिए, क्या उसको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, स्किप करके मत जाइएगा। अगर आपने शुरू के थोड़ा सा वीडियो देख लिया और आप चले जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिर आप बाद में जाकर उपवास रखेंगे और हो सकता है कि वो वचन के अनुसार ना हो। तो इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा देखिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूं, 7-8 मिनट का मैं वीडियो बनाता हूं, और अगर आप इस 7-8 मिनट को आप दे देंगे अपने समय को तो आप बड़े आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। और अगर अभी आपके पास समय नहीं है तो आप अभी वीडियो ना देखें, बाद में जब आपके पास समय हो तब आप इस वीडियो को बहुत डिटेल में अच्छे से पूरा जरूर देखें। जब आप पूरा देखेंगे तभी बात को समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज ज्यादा देर नहीं करते हुए इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं उपवास के बारे में। उपवास यानी कि उपवास का मतलब होता है कि हम बिना खाए पिए दिन गुजारते हैं। बहुत सारे लोग यही समझते हैं उपवास का मतलब है कि हम खाना पीना नहीं खा रहे और हम प्रार्थना में या परमेश्वर के उस आराधना में समय बिता रहे। एक हद तक ये सही बात है कि हम खाना पीना खाए बिना ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी गड़बड़ी इसमें ये हो जाती है कि बहुत सारे विश्वासी लोग उपवास करने का ही तरीका नहीं जानते। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं, पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और वचन के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा कि उपवास का सही मायने क्या है। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 16 आयत को। देखिए, यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यहां पर यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जब भी तुम उपवास करो कपटी लोगों के तरीके से उपवास मत करो। कपटी लोग कौन होते हैं? जो कि दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं। उपवास करके ऐसा चेहरा लटका लेंगे कि भाई हमने कुछ खाया नहीं है, ताकत नहीं शरीर में, तो लोग पूछेंगे अरे क्या हुआ, उनके चेहरा देख के पूछेंगे अरे आपको क्या हो गया, आप ऐसे चेहरा क्यों लटका हुआ है आपका, तो बोलेंगे अरे क्या बताऊं, आज तो मैं उपवास में हूं। यानी कि वो लोगों से वाहवाही करवाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि मैं उपवास रहता हूं, अपने में घमंड करके इस चीज को कह रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि अगर तुम भी इस तरह उपवास करते हो कि लोगों को पता ही चल जाए कि तुम उपवासी हो और लोग तुमसे पूछे कि क्या कर रहे हो, उपवास रखे हो, तो तुमको हाँ मैंने उपवास रखा है, तो वो कहेगा कितनी अच्छी बात है तू उपवास रखता है, तो आपका प्रतिफल खत्म हो गया, क्योंकि मनुष्य ने आपकी तारीफ कर दी तो परमेश्वर की ओर से आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसीलिए जो व्यक्ति उपवास रखता है, याद रखे, वो उन लोगों की तरह कपटी लोगों की तरह ना रखे जो दुनिया को दिखाने के लिए उपवास कर रहे हैं। जब हम उपवास रखते हैं तो कैसे रखना चाहिए, उसके आगे वचन में अगर हम 17 को पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। यहां पर परमेश्वर कह रहा है जब तू उपवास करे तो क्या कर, अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, क्योंकि बहुत सारे लोग उपवास के समय में सर में तेल नहीं लगाते। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, मसीह में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि उपवास वाले दिन तेल नहीं लगाएंगे, अपने सिर पे भी नहीं लगाएंगे, हाथ पैरों में भी नहीं लगाएंगे, और इस तरह से बिना तेल के घूमेंगे तो लोग देखेंगे अरे आज बड़ा अजीब सा लग रहा है। यानी कि इस तरह से नहीं करना है। उसने परमेश्वर ने क्या कहा, अपना मुंह धोना है, तेल लगाना है, और तेल लगाकर जैसे आप नॉर्मल रोज रहते हैं, जिस तरह का जिंदगी आप रोज जीते हैं बिल्कुल वैसे ही रहना है, कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। जैसे आप सुबह उठते हैं नहाते धोते हैं वैसे ही रोजमर्रा का चीज़ों करना है। सिर्फ करना क्या नहीं है, आपको सुबह उठ कर नाश्ता नहीं करना, बहुत सारे लोग नाश्ता करते हैं ना, वही नहीं करना है, बाकी आप जैसे नहाते धोते हैं उस तरह रहिए और सिंपल रहिए। किसी को दिखाने के लिए या ये मत सोचिए कि अगर मैं इस तरह से रहूंगा तो लोग मुझे उपवास ही जानेंगे, ये नहीं करना। अपने सिर पर तेल भी मलना है, मुंह भी धोना है। और 18 आयत में यीशु मसीह कहते हैं, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने,
इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यानी कि उपवास हमारा गुप्त के जैसा उपवास होना चाहिए, गुप्त में होना चाहिए, किसी को बताने के लिए उपवास नहीं होता है। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, उपवास कई प्रकार से रखे जाते हैं। कुछ उपवास सामूहिक उपवास होते हैं, कलीसिया के उपवास होते हैं, जहाँ पर एक संघ बहुत सारे लोग उपवास में बैठते हैं, चर्च में कलीसिया में होता है, वहाँ पर आपको गुप्त में उपवास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ तो आप सब मिलकर उपवास कर रहे हैं, लेकिन तरीका सब एक ही होता है। लेकिन कुछ यहाँ पर जो वचन कह रहे हैं गुप्त में प्रार्थना करने का, यानी कि हमारा व्यक्तिगत एक उपवास का जीवन होना चाहिए। चर्च में कोई मीटिंग है, चर्च में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, वहाँ उपवास रखा जा रहा है, कोई क्रूसेड हो रहा है वहाँ उपवास रखा जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन प्रभु कहता है तुम्हारा पर्सनली अपना खुद का एक उपवास का जीवन होना चाहिए। तो जो व्यक्ति, बहुत सारे मसीह व्यक्ति हमसे कहते हैं कि हम हर संडे को उपवास रखते हैं, कोई कहता मैं शुक्रवार को उपवास रखता हूं, कोई कहता मैं बुधवार को उपवास रखता हूं, कोई कहता मैं सप्ताह में 3 दिन उपवास रखता हूं। तो जो व्यक्ति पर्सनली अकेले में उपवास रखता है, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप जब भी उपवास रखें, आप अकेले में अपने घर में रहें, प्रार्थना करें, वचन में समय बिताएं। यहां एक चीज और मैं ऐड करके बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं और क्या करते हैं, वो अपने नौकरी में भी जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नौकरी करने वाले, काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग होते, बिजनेस करने वाले लोग होते, वो उपवास तो रखना चाहते हैं लेकिन वो अपने जॉब में काम से भी छुट्टी नहीं ले पा रहे या नहीं लेना चाहते। ऐसे में क्या करते हैं, वो सुबह उठते हैं, प्रार्थना करते हैं, नहाते धोते और अपने काम में चले जाते हैं और शाम को आकर फिर से प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अपने उपवास को खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना है जी। उपवास का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दुनिया भर के काम कर रहे हैं और फिर जाकर अपना आकर शाम को खाना पीना खा कह रहे परमेश्वर धन्यवाद आपका उपवास रखने के लिए मदद किया। ये उपवास नहीं है, ये डाइटिंग हो गई, ये उपवास नहीं है। यहाँ पर आपने दिन भर अच्छे अच्छे डाइटिंग कर लिया, मतलब दिन भर कुछ नहीं कहा, शाम को दबा के खा लिया, ये नहीं उपवास। उपवास का मतलब है परमेश्वर के संग रहना। तो जिस दिन भी आप उपवास करते हैं वो दिन आप चुन लीजिए, उस दिन आप खाली होने चाहिए। अगर जॉब में जा रहे हैं तो जॉब नहीं जाना है, छुट्टी लेना है, ऐसा दिन चुनिए जिस दिन आप छुट्टी ले सकते हैं, और उपवास वाले दिन ज़्यादा प्रार्थना में और वचन में समय बिताना है। अगर आप उपवास रख रहे हैं और आपने प्रार्थना नहीं किया, वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं किया, परमेश्वर से बातचीत नहीं किया, तो उस उपवास का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर आपका उपवास रखना व्यर्थ है। इसलिए उपवास किस प्रकार रखना है, पहली चीज तो दुनिया को दिखाने के लिए उपवास नहीं रखना है। दूसरी बात है कि ऐसे हालात मत बनाइए, अपने आप को ऐसे मत रखिए कि जैसे कि कोई देखेगा अरे आज तो तूने तेल उल नहीं लगाया, क्या आज उपवास रखा हुआ है, उस तरह भी नहीं होना चाहिए। और अगली बात कि आपको गुप्त में उपवास करना है, कलीसिया का उपवास अलग है, अपना खुद के जीवन में एक उपवास होना चाहिए। चौथी बात क्या है कि आप उपवास जब रखें तो आप छुट्टी के दिन रखें, ऐसे समय में रखें जब पूरा दिन आप प्रार्थना में और वचन में समय बिता सके, वही उपवास परमेश्वर के लिए सही ठहरेगा। अन्यथा जो भी उपवास यहाँ जाते घूमते फिरते शाम को दिन में थोड़ा ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, फिर शाम को आके थोड़ी देर परमेश्वर के पास बैठ गया, ये उपवास नहीं होता है। तो अगर आप भी इस तरह के उपवास रखते थे कि आप जॉब में भी जा रहे, काम पे भी जा रहे, शाम को आके अपना उपवास खोल रहे, तो आगे से ऐसा नहीं करिएगा। ये बिल्कुल भी मसीह के वचन के अनुसार उपवास नहीं है। मसीह के वचन के अनुसार उपवास यही है कि व्यक्ति पूरे दिन परमेश्वर के संग समय बिताए, वचन के अनुसार चले और हो सके तो गुप्त में बैठ के प्रार्थना करे, क्योंकि परमेश्वर जो गुप्त में रहता है वो आपकी बातों को सुनेगा और आपको प्रतिफल देगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से, इन वचनों के माध्यम से जो उपवास के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, आपको समझ में आया है और आगे से आप इन वचनों के आधारित ही उपवास रखिएगा। अगर आप गड़बड़ी कर रहे थे, पहले से गलत उपवास रख रहे थे, तो परमेश्वर से क्षमा मांगिए और फिर से उपवास करना शुरू करिए और उसमें परमेश्वर आपको आशीष जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाने में हमारी मदद करिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु के नाम में। आमेन।